डीएलएस सेकेंड सेमेस्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमारा था शिक्षा के में संवैधानिक प्रयास, तब उसमें उसमें थी पहला पाठ था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा आयोग सॉरी शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग के बारे में पिछली कक्षा में रोल पढ़ दिया था। आज की टॉपिक है शिक्षा के सार्वभौमीकरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जो प्रयास है उस प्रयासों को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले ये उन्होंने कहा था कि महिलाओं की समानता है तो शिक्षा, अगर भारत में या विश्व में या कहीं पर भी अगर शिक्षा सभी लोगों को उपलब्ध हो जाए इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, महिलाओं की समानता है तो शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम लोग क्या करते हैं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट था अनुसूचित जातियों की शिक्षा, मतलब कहा गया कि अनुसूचित जो जाति होते हैं मतलब वो हर तरह से क्या होते हैं संसाधन की कमी होती है, तो कहीं ना कहीं अनुसूचित जातियों को भी क्या करना चाहिए सभी प्रकार की शिक्षा देना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं सार्वभौमीकरण की लक्ष्य को क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा, मतलब जो भी जनजाति हैं उन जनजातियों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से क्या करना चाहिए प्रयास करना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं इस लक्ष्य को क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है आवास की सुविधा, जैसी बात है कि अगर स्कूल बच्चे जाते हैं अगर दूर दराज के बच्चे हैं तो उनके लिए रुकने की व्यवस्था भी उस विद्यालय के अंतर्गत होनी चाहिए, तभी हम लोग प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। ये हुआ आपका शिक्षा के सार्वभौमीकरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रयास। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का बालकों के लिए अधिकार, मतलब जो भी छोटे छोटे बालक हैं मतलब 1 से 14 वर्ष के या किशोरावस्था के बच्चों को दिए उन लोगों के जो भी कार्य हैं या उन लोगों के जो भी अधिकार हैं जो भी कानून के अंतर्गत लिखा गया है जो जो संविधान के अंतर्गत बन चुकी है चाहे राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जो जो अधिकार हैं उस अधिकारों को क्या करेंगे उस कानून के अंतर्गत क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है बालकों के लिए अधिकार 20 नवंबर 1989 ये डेट हमेशा याद रखिएगा, ये डेट क्या करती है पूछी जाती है सर। 20 नवंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बालकों के विधिक अधिकारों की घोषणा की गई, मतलब विधिवत कानूनी रूप से अधिकार कानूनी अधिकार। ठीक, पर 20 नवंबर 1989 को बालकों के लिए एक अधिकार बनाया गया था, वो अधिकार कब लागू हुआ था 20 नवंबर 1989। ठीक, अब उसमें क्या है कि भारत सरकार द्वारा इसे 11 दिसंबर 1992 को अपनाया गया, अतः बालकों के विधिक अधिकार क्या है 20 नवंबर, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 नवंबर 1989 को लागू हुआ था और फिर 3 साल बाद भारत में भी 11 दिसंबर 1992 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया। अब संसद में कब पारित हुआ उसका डेट अलग है, जब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तो क्या करेंगे इसके बारे में है तो हम लोग थोड़ी जान जाएंगे कि समय राष्ट्रीय बाल अधिकार का देश कौन है इसको भी याद करेंगे कानून को इससे क्या है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की क्या है वर्तमान में अध्यक्ष है। आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ आ गई होगी और जो भी इसके अधिकार हैं बालकों के उस अधिकार को हम कल के लेक्चर में क्या करेंगे फिर देखने का प्रयास करेंगे। जो भी ये वाला टेप और ये वाला टेप हम से क्या करेंगे इसको याद करेंगे। ठीक, अब और ये वाला जो इसके अध्यक्ष हैं इस अध्यक्ष को भी क्या करेंगे हम लोग याद करेंगे। अगर मान लीजिए शुरू किया जाए कि इससे पहले कौन अध्यक्ष थे काकरे इसके पूर्व अध्यक्ष थे मतलब इनके पहले कौन अध्यक्ष थे
dan ya tadi sebelumnya ini peristiwa mengerjakan